फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी का अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। मैं एक कप चाय पसंद करूंगा। मैं एक कप चाय पसंद करूंगा मीन्स मैं एक कप चाय लूंगा या एक कप चाय लेना पसंद करूंगा। कई तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, उसी तरह से हम इंग्लिश में भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। मैं एक कप चाय पसंद करूंगा, तो पहले हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे बताएंगे, जैसे आई शुडंट माइंड अ कप ऑफ टी। आई शुडंट माइंड अ कप ऑफ टी। ओके फ्रेंड्स, या तो आप इस तरीके से बोलिए या इस तरीके से बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं होने वाला है। आप किसी भी नियम किसी भी सेंटेंस को आप चूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं बोलते वक्त, बट जानकारी दोनों की होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा सेंटेंस है, मैं थोड़ा और चाहूंगा या मैं थोड़ा और पसंद करूंगा। मीन्स हम कुछ खाते हैं ना, बोलते हैं कि थोड़ा और चाहिए मुझे या थोड़ा और पसंद करूंगा मैं। मीन्स इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे, आई वुड लाइक टू हैव लिटिल मोर। दूसरा तरीका है, सेम फॉर्मूला है, आई शुडंट माइंड अ लिटिल मोर। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही होता है। आप बोलचाल के वक्त यानी कि बातचीत कन्वर्सेशन के दौरान आप दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बट दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी इस सेंटेंस को लीजिए, यह भोजन मुझे पसंद है। यह भोजन मुझे पसंद है, तो दिस फूड इज टू माई लाइकिंग। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, जैसे कि सीता को सेब पसंद है, दूध पसंद है, तो सीता इज लाइकिंग टू मिल्क, इस तरह से बताया था। बट इसमें थोड़ा अलग है कि यह भोजन मुझे पसंद है। ओके, तो दिस फूड इज टू माई लाइकिंग। दिस फूड इज टू माई टेस्ट। इसी तरह से हम यह सेंटेंस है, यह साड़ी उसकी पसंद की है, तो इसका हम कैसे इंग्लिश बनाएंगे कि दिस साड़ी इज टू हर लाइकिंग। दूसरा, दिस साड़ी इज टू हर टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम बनाएंगे इसका इंग्लिश। अभी हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। तो यह सेंटेंस है, यह मेरा सबसे अधिक पसंद का भोजन है। तो यह मेरा सबसे अधिक पसंद का भोजन है, साफ जाहिर होता है कि यह डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे कि दिस इज माय चॉइसेस्ट फूड, या हम डिश भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट डिश। पहला तरीका हुआ कि दिस इज माई चॉइसेस्ट फूड या डिश। दूसरा तरीका है, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट डिश। इसी तरह से यह भी सेंटेंस इसी तरीके से हम बनाएंगे कि यह उसकी सबसे पसंदीदा साड़ी है। दिस इज हर चॉइसेस्ट साड़ी। या दूसरा तरीका, दिस इज हर मोस्ट फेवरेट साड़ी। ओके फ्रेंड्स, तो दो दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मीन्स पसंद और नापसंद, पसंदगी वाले सेंटेंसेस को हम कई तरीके से इंग्लिश में व्यक्त करते हैं। हिंदी में जिस तरह से हम कई तरीके से अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं पसंद के मामले में या नापसंद के मामले में, उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी कई तरीके हैं व्यक्त करने के किसी भी एक सेंटेंस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का इतना ही।
अब नेक्स्ट जो बाकी रहेगा पसंद और नापसंद के बारे में जो सेंटेंसेज है उससे सीखने वाली चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।